नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर चांदपुर की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। चांदपुर के जमालुद्दीनपुर में दो पक्षों में हुए विवाद में गंभीर रूप से घायल युवक का उपचार के दौरान हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। पूरा मामला थाना चांदपुर के गांव जमालुद्दीनपुर इलाके का है, जहां पर 5 नवंबर को दो पक्षों छत्रपाल पुत्र नत्थू सिंह वह सेवा राम पुत्र मुखराम के बीच मामूली कहासुनी के बाद विवाद हो गया था। विवाद में सेवा राम व उसके दो भाई सुरेंद्र व मदन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को उपचार के लिए सीएससी सियाऊ ले जाया गया था, जहां पर चिकित्सकों ने तीनों भाइयों की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। जिला अस्पताल के चिकित्सक को ने सुरेंद्र की हालत को नाजुक देखते हुए निजी अस्पताल द हीलर्स के लिए रेफर कर दिया था। निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने युवक की हालत को नाजुक देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। गांव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल मौजूद रहा। परिजनों ने मृतक के शव को चौकी पांडव नगर के पास चांदपुर हसनापुर मार्ग पर ट्रैक्टर ट्राली में रखकर जाम लगा दिया। पुलिस से मृतक के परिजनों ने आरोपियों को पकड़ने की मांग की। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने परिजनों को समझाया बुझाकर जाम को खुलवाया। थाना प्रभारी संजय गर्ग ने पुलिस फोर्स के साथ गंगा पर जाकर मृतक का अंतिम संस्कार कराया। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर।